आज से लगभग एक साल पहले ये रिश्ता क्या कहलाता है कि नैतिक यानी टेलीविजन एक्टर करण मेहरा की पत्नी निशा रावल ने सामने आकर कहा था कि करण उनके साथ मारपीट करते हैं, तो वहीं करण मेहरा ने भी निशा पर बाइपोलर होने का और उनके साथ फिजिकल अब्यूज का आरोप लगाया था। करण और निशा के इन आरोपों के बाद दोनों का झगड़ा डाइवोर्स तक पहुंच गया। फिलहाल करण मेहरा तलाक और बेटे की कस्टडी के लिए केस लड़ रहे हैं, जबकि निशा अपने बेटे काविश के साथ करण से अलग रह रही हैं और वो भी करण से डाइवोर्स चाहती हैं। बता दें कि आज निशा और करण के बेटे का जन्मदिन है। इसी बीच करण मेहरा ने बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए एक वीडियो शेयर की। सबसे पहले तो ये वीडियो देखिए। Happy birthday to Kavish. Happy birthday to Kavish. Happy birthday dear Kavish. Happy birthday to you. So this is for Kavish on his fifth birthday. I wish मैं खुद खिला सकता, पिछला बर्थडे भी मिस हो गया, ये वाला बर्थडे भी मैं उसके साथ नहीं मना रहा हूँ। बट ऑफ कोर्स योर डैडी लव्स यू एंड ही इज फाइटिंग एंड ही विल सी यू सून, सो गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू ऑल फॉर दोज लवली विशेस दैट यू बीन सेंडिंग फॉर काविश। आई रियली अप्रिशिएट इट। हैप्पी बर्थडे। जी हाँ, खुद करण मेहरा ने कहा कि वो अपने बेटे को बेहद याद करते हैं और वो अपने बेटे की कस्टडी पाकर रहेंगे। बता दें कि इस वीडियो में करण ने कैप्शन लिखा कि ज्यादा लंबे समय तक कोई भी चीज करण को उनके बेटे से दूर नहीं रख सकती। बताते चलें कि करण और निशा दोनों ने ही एक दूसरे पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी आरोप लगाया था, जबकि जब निशा और करण की शादी हुई थी तब करण मेहरा ने पब्लिकली एक पार्टी में निशा को प्रपोज किया था और दोनों की लव मैरिज थी। फाइनल कट, न्यूज़ डेस्क।